आई चीज का ज्ञान का धारा को बरकरार रखते हुए चलिए विदाउट लूजिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ICH Q4B एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग काफी चीजें जान पाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसका आउटलाइन क्या है। शॉर्ट हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ ICH Q4B। इसमें हम लोग एक Q4B का छोटा हिस्ट्री आउटलाइन देख पाएंगे, फार्माकोपिया एंड रेगुलेटर्स इन दोनों के बीच में क्या मेलबंधन है वो देख पाएंगे, Q4B से प्रोसेस और एनेक्सर्स ये कैसे बनता है ये देखेंगे, इंटरेक्शंस बिटवीन से Q4 से भी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप एंड से फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो Q4B एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EWG बोलते हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म में PDG जिसका फुल फॉर्म है फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप है, इन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है ये देखेंगे। और देखेंगे कि नवंबर 2008 का जो मीटिंग का आउटकम हुआ था उसके हिसाब से करंट आउटलाइंस क्या क्या हुआ है, कहां तक पहुंचा है, ये सब कुछ लेके चलिए आज का फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ऑन ICH Q4B शुरू करते हैं। देखते हैं बैकग्राउंड। द हार्मोनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉम्पेंडियल टेस्ट चैप्टर्स हैज बीन कंसीडर्ड एज क्रिटिकल बाय ICH स्टीयरिंग कमिटी टू अटेनिंग द फुल यूटिलिटी ऑफ द ICH Q6A गाइडलाइन। ये 1998 में इसको ये गाइडलाइन Q6A जिसके ऊपर स्टीयरिंग कमिटी ने ये कंसीडरेशंस किया था, इसके बाद 2003 में जो फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर में तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तीन इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप है, एक है कि यूरोपियन फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा है कि जापानीज फार्मास्यूटिकल और तीसरा है कि USP। ये तीनों ने मिलकर 2003 में जो रेगुलेशन है उसमें ICHSC उन्होंने क्या किया है कि दे हैव एड्रेस्ड हाउ टू रेगुलेट द अथॉरिटीज विल रिकॉग्नाइज द इंटरचेंजेबली टू हार्मोनाइज द फार्माकोपियल चैप्टर्स। इसके बाद ICHSC एस्टेब्लिश द Q4 EWG विथ अ स्कोप टू एड्रेस 11 जनरल चैप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 जनरल चैप्टर्स के ऊपर उन्होंने 2003 नवंबर में Q6A गाइडलाइंस में कैसे उसको फाइनलाइज करने के लिए शुरुआत किया है। उसके बाद देखेंगे कि अप्रैल 2004 में SC अप्रूव्ड से Q4B वर्क प्लान, 2004 में उन्होंने वर्क प्लान को अप्रूव किया। आगे चलते हैं, देखते हैं SC अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द ICH गाइडलाइन विद टॉपिक स्पेसिफिक एनेक्सर्स ऑन जून 2004। इसके बाद Q4B इज एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप begins evaluating the pharmaceutical discussions a group harmonization text on November 2004. Step 2 में देखते हैं ICH Q4B से core guideline approved the SC on June 2006। दो साल लग गया मोटा मोटी अप्रूवल के लिए कि ICH जो है Q4B का कोर गाइडलाइन जो है वो कोर गाइडलाइन को SC ने अप्रूव करते करते बीच में मोटा मोटी दो साल लग गया है। उसके बाद फर्स्ट एनेक्सर्स जो बना है वो है रेसिड्यू ऑन इग्निशन ऑन सल्फेटेड और सल्फेटेड एस, ये अप्रूव्ड हुआ है जून 2006 में। रेगुलेटरी कंसल्टेशंस ICH स्टेप 3 ऑन से कोर गाइडलाइन कंप्लीटेड बाय द ईच रेगुलेटरी रीजियंस 60 डेज कमेंट पीरियड, जो 60 दिन का कमेंट पीरियड में खत्म हुआ था ये अक्टूबर 2006 को जाके फाइनली ये कंक्लूड हुआ। आगे चलते हैं, जो अपना है कि Q4B गाइडलाइन का जो रीवर्क हुआ था बेस्ड ऑन द कंसल्टेशंस कमेंट्स, जो कंसल्टेशंस कमेंट्स हुआ था ICH स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज्ड ऑन ICH साइन ऑफ, जो साइन ऑफ होके पूरा कंप्लीटली फाइनलाइज हुआ था ये हुआ था नवंबर 2007 में, कंसिस्ट ऑफ अ पेटेंट गाइडलाइन स्टेप 4 से ICH Q4B रिपर्टियर न्यू टाइटल दिया गया है इवेल्युएशन एंड
recommendations of the pharmaceuticals text for use in the ICH regions. इसका फर्स्ट एनेक्सर है, ये अप्रूव हुआ था. फर्स्ट एनेक्सर हम लोगों ने पहले ही बोला है कि ये रेसिड्यू ऑन इग्निशन ROI और सल्फेटेड एस के ऊपर नवंबर 2007 में. फिर SC अप्रूव द लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप्स ऑन नवंबर 2008. अभी देखते हैं कि ICH Q6A रिलेटेड जनरल चैप्टर्स जो हम लोग बोल रहे थे कि 11 जनरल चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है. चलिए अभी देख लेते हैं ये 11 जनरल चैप्टर्स क्या क्या है. सबसे पहले है कि डिजोल्यूशन, उसके बाद आता है डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास, ये कंबाइंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज यूनिट है. इसके बाद है एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम, पार्टिकुलेट मैटर, काफी इंपॉर्टेंट है स्टेरिलिटी, माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, रेसिड्यू ऑन इग्निशन, सल्फेटेड एस, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट कलर एंड सिक्लेरिटी. उसके बाद आगे चलते हुए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स, फार्माकोपिया एंड रेगुलेटर, ये जो दो इम्पोर्टेंट चीज है कि फार्माकोपिया और उसके बाद में रेगुलेट, उसको क्या कौन कौन रेगुलेट करते हैं. फार्माकोपिया तो है हम लोगों को मालूम है, जैसे है USP हो गया, IP हो गया, BP हो गया, JP हो गया, EP हो गया, BP हो गया, ये जितना भी अपना फार्माकोपिया है उसके साथ इसको रेगुलेटर्स कौन कौन है. डिफरेंट अप्रोचेस फॉर से मूविंग से फॉरवर्ड, जैसा है कि जेपी के को रेगुलेटर है PMDA. अभी जो फार्मा यूरोपियन है इसके लिए रेगुलेटर है EDCQM और USP. तो जेपी की केस में ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट से ही उसको रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली जेपी को रेगुलेट करता है. ईपी की केस में गवर्नमेंट पार्टनरशिप दिया हुआ है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप लेके गवर्नमेंट के साथ इन दोनों के पार्टनरशिप में इसका रेगुलेशन होता है. और यूएसपी की केस में इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट का कोई इसमें पार्टनरशिप या रोल नहीं है. और ये जो है यूएसपी जो है एक टोटली कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये प्रॉफिट वगैरह का कंसिडरेशन नहीं किया जाता है. आगे चलते हुए देखते हैं कि Q4B से प्रोसेस जो है उसमें वैल्यू फॉर से Q4 शुड बी एक्टिविटी कैसे डिसाइड किया जाता है. अ कमेंट ऑफ द इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स टू असिस्ट इन द कॉमन स्पेसिफिकेशंस, अ सेविंग इन टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट. उसके केस में इंडस्ट्री बोलता है कि टू ग्लोबली यूनिफाई द टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज फॉर एप्लीकेशंस एंड अदर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस नीड्स वन टेस्ट रेदर देन द थ्री. इंडस्ट्री हमेशा यही बोलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तीन बार कोई एक टेस्ट को परफॉर्म करने से अच्छा है कि एक बार कोई एक टेस्ट आप बता दो, उस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करेंगे और उसकी बेसिस पे हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा ही उसको प्रोडक्ट को रिलीज की केस में प्रोडक्ट जितना जल्दी हो सकता है, टाइम बाउंड है तो टाइम को इलाबोरेट करके, क्योंकि दे आर टोटली ऑन बिजनेस, तो जो बिजनेस प्रॉफिट है उसको आगे से लेते हुए उनको चलना पड़ेगा. तो इसीलिए उनका प्रपोजल है कि टू ग्लोबली यूनिफाई द टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, उनको ये कहना था कि जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी होगा वो तीन बार ना करके कोई एक रेगुलेटरी बॉडी ऐसा टेस्ट बोले जिसको एक बार परफॉर्म करने से उनको एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए. रेगुलेटरी, अभी रेगुलेटरी बॉडी क्या बोल रहे देख लेते हैं. रेगुलेटर्स बोल रहे कि टू रिड्यूस और एलिमिनेट द नीड टू गो थ्रू अ जस्टिफिकेशन प्रोसीड्योर एज टू द यूज ऑफ अदर कंपेंडियल मेथड्स डन वन टाइम टू एलिमिनेट रिपीटेटिव जस्टिफिकेशंस. रेगुलेटर बोल रहा है कि टू रिड्यूस और एलिमिनेट, मतलब रिड्यूस करने के लिए नहीं तो एलिमिनेट करने के लिए ऐसा एक जरूरत है, द नीड टू गो थ्रू द जस्टिफिकेशन प्रोसीड्योर, मतलब अगर आपको बार बार टेस्ट नहीं करना है या फिर आपको टेस्ट प्रोसीड्योर को तीन बार ना करके एक बार में आप बोल रहे हो रिड्यूस करना है, तो आपको एक जस्टिफिकेशन, ठोक जस्टिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि कॉम्पेंडियल मेथड कॉम्प्लाई हो. डन वन टाइम टू एलिमिनेट रिपीटेटिव जस्टिफिकेशन, क्योंकि कॉम्पेंडियल मेथड का कॉम्प्लायंस होना काफी जरूरी है. आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं कि Q4B से प्रोसेस स्टेप में क्या है. इसमें इंपॉर्टेंट चीजें है कि फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप प्रोवाइड्स टू Q4B एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप. इसमें फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप जो है ये
इनका पास जो है इनका काम ही होता है कि हार्मोनाइजेशन को शुरुआत करना। उन्होंने हार्मोनाइज टेक्स्ट बनाया, उन्होंने क्या किया जेपी फार्माकोपियल, यूरोपियन से फार्माकोपिया और यूएसपी, ये तीनों को ड्राफ्ट वर्शन ऑफ हाउ हार्मोनाइज टेक्स्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर से कंपेंडिया, उन्होंने उनको ब्रीफिंग किया, ब्रीफिंग नोट टू टू से डेलिनेट एनी से लोकल डिफरेंसेस और से पोटेंशियल इशू, उसको कंप्लाइन करने के लिए उन्होंने उनको ब्रीफिंग किया। उसके बाद प्रिंटिंग टाइमलाइंस टू से मूव दस अप्रोच ऑफ फार्माकोपियल टेक्स्ट ऑफ द ऑफिशियल स्टेटस। उसके बाद आते हैं क्यू फोर बी से मेंबर, उन्होंने क्या किया कि क्यू फोर बी का जो जितने भी मेंबर्स है दे आर से ब्रीफिंग दस डॉक्यूमेंट बैक टू देयर से कॉन्स्टिट्यूट फॉर इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन। क्यू फोर बी से प्रोसेस में क्यू फोर बी एक्सपर्ट वर्किंग से ग्रुप ने उसको फिर से रिव्यू करेंगे, उसकी इवेल्युएशन देंगे, जितना भी इश्यूज आएंगे वो सारा इश्यूज को डिस्कशन करेंगे, डिस्कस विद द ईडब्ल्यू से जी एक्सपर्ट वर्किंग से ग्रुप से पॉसिबल रेजोल्यूशन जो भी रहेंगे वो पॉसिबल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, इवेल्युएशन रिजल्ट एंड से पॉसिबल रेजोल्यूशन मेकानिजम्स कॉन्वेड से बैक टू द एंड और डिस्कस्ड विद द फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप। वो अपना जितना भी इवेल्युएशन रहेंगे और रिजोल्यूशन रहेंगे वो फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप को फॉरवर्ड बैक करेंगे। वंस द इश्यूज आर रिजॉल्व्ड क्यू फोर बी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप रिकमेंड फॉर अप्रूवल ऑफ द आईसीएच स्टेप टू टू द आईसीएच सेक्रेटरिएट एससी। नाउ स्टार्ट ऑफ द एनेक्सर प्रोसेस moving the Q4B evaluation outcome into the regulatory mechanisms for each region। आगे चलते हैं प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं, जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने बोला है यही प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जो पहले हम लोगों ने बोला है कि वो डॉक्यूमेंट बना के अलग अलग जो है एक्सपर्ट कमेटी को देते हैं, जैसे जापानीज फार्माकोपिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर यूएसपी हो गया, तो ऐसा अलग अलग एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप को इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। सबमिशन के बाद क्या होता है, क्यू फोर बी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप असेसमेंट एंड एनेक्स द एनेक्स डेवलपमेंट, वो क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं उसका, और जितना भी एनेक्सर वगैरह बनाना होता है वो एनेक्सर प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं। ICH साइन ऑफ ऑन द ड्राफ्ट क्यू फोर से बी एनेक्स, ICH साइन ऑफ होता है, ड्राफ्ट एनेक्सर को साइन ऑफ किया जाता है। उसके बाद रेगुलेटरी कंसल्टेशन ऑन एनेक्स, उसके बाद ये जो एनेक्स बन गया साइन ऑफ हो गया उसके ऊपर रेगुलेटरी कंसल्टेशन लिया जाता है कि रेगुलेटरी बॉडीज को कुछ अगर कंसल्टेशन है तो दे कैन प्रोवाइड देयर कंसल्टेशन ऑन दीज एनेक्स। एनेक्स एडेप्टेड बाई ICH स्टीयरिंग कमिटी, ICH स्टीयरिंग कमेटी जो है जिसको हम लोग SC बोल रहे हैं, ICH स्टीयरिंग कमेटी क्या करते हैं इस एनेक्सर को अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद रीजियोनल से रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है, तो अभी यहां से देख पाते हैं हम लोग रीजियोनल फार्माकोपियल इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इंटर रीजियोनल एक्सेप्टेंस, उसके बाद जितना भी टोटल इंटर रीजियोनल मतलब टोटल ग्लोब में इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि Q4B एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप एंड से फार्मास्यूटिकल से डिस्कशन ग्रुप इंटरेक्शंस कैसे होता है। डेडिकेटेड टाइमलाइन एट ईच फॉर्मल ICH ECW से मीटिंग वेन्यू टू डिस्कशन द इश्यू, स्टेक होल्डर से पार्टिसिपेटिंग ऑल द पार्टीज फोकस्ड ऑन से एक्टिव टू अचीव द इंटरचेंजेबली, डायरेक्ट फीडबैक से मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व द इशू। उसके बाद फीडबैक जो लिया जाता है कोई इशू को रिजॉल्व करने के लिए उनके पास जो भी फीडबैक है वो फीडबैक लिया जाता है, क्लियर डिक्लेरेशंस ऑन द व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी टू प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जाएंगे उसके ऊपर क्लियरली डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद सक्सेसफुली उसको मूव करते हैं और इंडिपेंडेंट एफर्ट देके उसको खत्म करते हैं। अभी चलते हैं 2007 में जो Q4B सक्सेस हुआ था, ये हुआ था योकोहामा में, यहाँ पे क्या क्या चीजें हुआ था, सबसे पहले कि कोर से Q4B से गाइडलाइन स्टेब्लिश हुआ था, उसमें कंप्लीटेड एंड साइन ऑफ ICH स्टेप 4
स्टेप 5 रीजनल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, टाइटल ऑफ Q4B से कोर से Q4B गाइडलाइन, इसका गाइडलाइन जो डिसाइड किया गया है ये है इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, उन्होंने डिसाइड करके दिया है कि गाइडलाइन क्या है, द इवोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट फॉर यूज इन द ICH रीजियन। उन्होंने सबसे पहले इसको डिसाइड किया टाइटल को, उसके बाद देखते हैं कि लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, उन्होंने बोला कि कुछ कुछ केस में लिमिटेड स्कोप है, उन्होंने डिसाइड किया 2008 नवंबर में जो हुआ था ब्रुसेल में, वहां पे क्या क्या देखते हैं कि स्टीयरिंग से कमिटी अप्रूव्ड द एडिशनल 5 न्यू से फार्मास्यूटिकल डिस्कशन से ग्रुप हार्मोनाइज जनरल चैप्टर टू द Q4B प्रोसेस। तो इसमें 5 जनरल चैप्टर को अप्रूव किया गया था, क्या क्या है देखते हैं, टैबलेट फ्राइबिलिटी है, बल्क एंड टैब डेंसिटी है, एनालिटिकल शीविंग है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पेक बोलते हैं। उसके बाद है करेंट स्टेटस, ये करेंट स्टेटस जो है 2008 का नवंबर तक लिया गया था, उसमें करेंट स्टेटस क्या क्या था देखते हैं। सबसे पहले है रेसिड्यू ऑन इग्निशन, ये जो है स्टेप 5 रीजनल इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच गया था, रेसिड्यू ऑन इग्निशन एंड सल्फेटेड ऐश। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम भी रीजनल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप 5 तक पहुंच गया था, पार्टिकुलेट मैटर ये भी रीजनल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप 5 तक पहुंच गया था, 4A 4B 4C ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, ये भी हो गया था। इसके बाद देखते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन स्टेट जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ड्राफ्ट स्टेप 4 तक पहुंचा था, जो वेटिंग हो रहा था कि साइन ऑफ के लिए। उसके बाद आता है डिजोल्यूशन टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज यूनिट और स्टेरिलिटी, ये साइन ऑफ स्टेप 2 तक पहुंचा था। उसके बाद आता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन और कलर, ये सबमिशंस फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप इसको सबमिशंस के लिए अवेटेड था, ये 2009 का करेंट स्टेटस बोल रहे। चलिए यहां तक जो है ये एक्नोलेजमेंट किया जाता है, दीज आर द फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट ग्रुप कमिटी मेंबर्स, ये जितना भी लोगों का नाम दिया है दीज आर द फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट ग्रुप कमिटी मेंबर्स। तो मोटा मोटी आज का जो है गाइडलाइन यहीं पे खत्म होता है, तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट में जरूर, और हम लोग अभी ऐसा ही ICH का गाइडलाइन को खत्म करेंगे 1x1, काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इसके बाद आगे इसको खत्म करने के बाद दूसरा गाइडलाइन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और देखते रहिएगा, लर्निंग करते रहिएगा कंटिन्यूअस बेसिस पे, कोरोना से प्रिकॉशंस लेते रहिए, प्लीज बी सेफ, घर में रहिए और विदाउट एनी नेसेसिटी बाहर मत जाइए। हम लोगों की तरह जो भी एक्सपर्ट जो भी एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही है, अदरवाइज जो नॉर्मल पीपल से जिनको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज अननेसेसरीली बाहर मत निकलिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।